सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन, मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा हम बच्चों को विश्व कल्याणकारी बनाने के लिए बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की मत, इसमें मूंझने की जरूरत नहीं है और मूंझना नहीं है। भगवान जो श्रीमत दे रहे हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा, हमें उसको फॉलो करना है। बाबा कहते हैं, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं। ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा, यह बात अच्छी ब्रेन वाले बहुत ही अच्छी समझ लेंगे। कोई तो इसमें भी मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं, श्रीमत समझकर चलते रहो, क्योंकि ब्रह्मा की मत का रेस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा अगर कोई मत देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से शिव बाबा को है, इसलिए ज्यादा सोचने का नहीं है। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर परमपिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते ही नहीं है। जब वो रूहानी बाप आए तभी रूहानी बच्चों को पहचान दे। यह नॉलेज ना सृष्टि के आदि में रहती है ना सृष्टि के अंत में रहती है। अभी तुमको नॉलेज मिली है, यह है सृष्टि के अंतर आदि का मध्यम स्थिति, जिसको कहते हैं संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते हैं तो बाबा को कैसे जान सकें। बाबा कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई भी नहीं जानते, जब मैं आकर पहचान दूं तब मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूं, कल्प बाद फिर से आता हूं, तुमको जो समझाता हूं वो फिर प्राय लोप हो जाता है। सत्ययुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। जैसे हमने द्वापर से बहुत कोशिश की, ढूंढा भगवान को पाने की, समझने की, लेकिन अब तक भी वो ठिकाना नहीं मिला। लेकिन संगम युग पर स्वयं भगवान आकर अपना परिचय दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है जरूर कुछ नाम होना चाहिए ना, बराबर नाम एक ही गाते हैं, वो है शिव। यह नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्य ने अनेक नाम रखे हैं। भक्ति मार्ग में अपना ही बुद्धि से ये लिंग रूप बना दिया है। जो शिव के मंदिर में हम जाते हैं लिंग रखते हैं, वो कहते हैं भक्ति बार में रख दिया है, वास्तव में नाम तो है शिव और ज्योतिर्बिंदु है। बाप कहते हैं, मैं एक बार आता हूं, आ करके मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूं। मनुष्य भले नाम लेते हैं मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ नहीं है, ना बाप को जानते हैं ना देवताओं को, ये किसी को भी पता नहीं। बाबा आकर भारत में राजधानी स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं सत्ययुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया, नहीं, अगर देवताओं में भी यह ज्ञान होता तो चलता आता। बाबा कहते इस्लामी बोधि आदि जो हैं उनका ज्ञान चलता है, सब जानते हैं, यह ज्ञान प्राय लोप हो गया है। मैं जो बाता हूं तो आत्माएं पतित बन राज्य गवा बैठी हैं, उन्हों को आकर फिर से पावन बनाता हूं। बाबा आज बहुत मनोरंजन बात बता रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम पतित बन गए थे तो हमें पावन बनाकर फिर से सतयुगी देवी दुनिया में लेके जा रहे हैं, राजधानी स्थापना कर रहे हैं। बाप आया
कैसे बच्चों को शिक्षा दी, यह सब भूल जाते हैं हम सत्संग में जाने के बाद। यह भी ड्रामा में नोंद है, बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा जो हमें ज्ञान सुना रहे उसको विचार सागर कर खुशी में रहना है और दूसरों को भी परिचय देना है कि स्वयं भगवान आए हैं हमें ज्ञान देने, पावन बनाने। भागवत नॉलेज जो भूल जाते हो, फिर गीता आदि शास्त्र कहां से आए? जिन्होंने गीता सुनकर यह पद पाया है वही नहीं जानते तो फिर कैसे जान सकते हैं? देवताएं भी जान नहीं सकते हम मनुष्य से देवता कैसे बने, वो पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया, तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई है। कितना अच्छा समाचार है, बाबा कहने तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई है, खुशी होनी चाहिए। बाप समझाते हैं यह नॉलेज तुमको फिर से कलप मिसल फिर से मिल रही है, तुमको राज्य सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहां तो दुर्गति है ही नहीं, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सदगति पाने के लिए, वो देने वाला एक बाप है। सदगति और दुर्गति का अक्षर यहां से निकलता है। सदगति को भारतवासी ही पाते हैं, समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था। यह कुछ भी पता नहीं मनुष्य को कि कैसे रचा था। बाबा कहते हैं यह नॉलेज मैं तुमको आकर देता हूं। बाबा कहते हैं इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं, बंधन तो कोई है नहीं कन्याओं के लिए। कुमारियां अच्छा उठा सकती है, उनको ही पढ़ना और पढ़ाना है, उनको कमाई करने की दरकार ही नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति से यह नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है, सेंसिबल होंगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कोई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती है, समझाया जाता है इससे कोई फायदा नहीं है, तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ, वो पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में, गृहस्थी माताएं बन जाती हैं। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। बाबा कहते हैं कदम कदम श्रीमत पर चलना है, धारणा करनी है। मम्मा शुरू से आई फिर पढ़ाई में लग गई, बाबा उदाहरण दे रहे हैं। कितनी कुमारियां तो गुम हो गई, कुमारियों को अच्छा चांस है। बाबा आज कन्याओं के बारे में समझा रहे हैं किस तरीके से बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, क्योंकि भगवान आके नारी को स्वर्ग का द्वार बनाया। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चले तो बहुत फास्ट क्लास हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो आप ही ठीक कर देंगे, श्रीमत मिलेगी भी इन द्वारा ब्रह्मा बाबा के द्वारा। सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है फिर कुछ भी हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद बाबा है, इनसे कुछ हो जाता है। बाबा कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, ड्रामा में यह राज नूंधा हुआ है, और नूंधा हुआ है तो हमें मूंझने की जरूरत नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं हम बच्चों को वो सब राइट है। तुम कहते हो बाबा आप ही आकर हमारा टीचर गुरु बाबा बनते हो, बाप बनते हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना, जो कहें उस पर चलो, हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वो है कल्याणकारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है। बाबा कितने बार बार कह रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों का संकल्प चलता है कि ब्रह्मा का मत कैसे हम लें। बाबा कहते हैं तुमको निश्चय होना चाहिए शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो ना सके, इनसे हो सकती है यह दोनों इकट्ठे हैं, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है शिव बाबा समझाते हैं उस पर हमको चलना पड़े, तो बाबा की श्रीमत पर समझ कर चलो, तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा, कहां मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति से समझना है, बाबा ने कहा वा उसने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं है परंतु बाबा ने समझाया, अच्छा समझो यह ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ बताते हैं सुनाते हैं। बाबा कहते हैं शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूं, बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है, बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना, वही पति शूद्र को आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण को ही पावन बनाते हैं, शूद्र को पावन नहीं बनाते। यह सब बातें कोई भगवत आदि में नहीं है, तो थोड़े थोड़े अक्षर हैं
लेकिन संपूर्ण बातें नहीं है बाबा कहते हैं, लेकिन उस बातों से बहुत मुन जाते हैं। देवताएं हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण डिनास्टी, सीता राम की तो डिनास्टी अलग है। बाबा कहते हैं बस अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, क्योंकि बरसा पाना है। बाबा धारणाओं में कहते हैं सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है, जवाबदार एक बाप है इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अड़ल रहना है। बाबा कह रहे हैं विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझानी पर अटेंशन देना है, स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। वरदान बाबा दे रहे हैं हम बच्चों को अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो उसकी स्मृति में रहना है। जो बच्चे अपने यथार्थ बाप अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वालों की याद स्वतः ही आती है। बाबा स्लोगन दे रहे हैं हम बच्चों को अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे मैं तकदीरवान आत्मा हूं, मैं तकदीरवान, मेरा कितना ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य है कि भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए मुझे जिम्मेवारी मिली है, पाठ मिला है। यही सोचना है, चिंतन करना है और निरंतर बाबा की याद में रहना है। 24 घंटा सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।